हेलीकॉप्टर से शादी करने के लिए पहुंचा फर्नीचर व्यवसायी दूल्हा। यही नहीं, पिता ने बेटे की शादी में जोधपुर का उम्मेद पैलेस बना डाला। शादी के बाद दूल्हा प्रकाश गुप्ता दुल्हन अंजलि को उड़ा ले गया अपने घर। जी हाँ, इस शादी ने सोशल मीडिया पर मचा दिया है तहलका। नमस्कार, मैं हूँ सलोनी शिवा और एवन न्यूज में आपका स्वागत है। आमतौर पर दूल्हा शादी में फूलों से सजी गाड़ी में बैठकर बारात लेकर आता है, लेकिन सिवान में दूल्हा हेलीकॉप्टर में बैठकर अपनी शादी में पहुंचा। शनिवार को सिवान के मैरवा के रहने वाले आकाश गुप्ता ने बेटे प्रकाश गुप्ता की शादी गोपालगंज की रहने वाली अंजलि से हुई। इस दौरान प्रकाश ने हरिराम हाई स्कूल के फील्ड से हेलीकॉप्टर से बारात लेकर पचरुखी स्थित उमैद पैलेस पहुंचा, जहां हेलीकॉप्टर देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ गई। प्रकाश गुप्ता पेशे से फर्नीचर व्यवसायी हैं। प्रकाश की बारात पहले गाजे बाजे के साथ उनके घर से निकली, फिर स्कूल पहुंची, वहां से फिर वह पैलेस गया। इस शादी की चर्चा चारों तरफ हो रही है। इसके साथ ही लोग हेलीकॉप्टर की फोटो लेते नजर आए। प्रकाश गुप्ता के पिता जोधपुर के एक बड़े रिजॉर्ट उमैद पैलेस में पहुंचे। उन्हें रिजॉर्ट की काफी पसंद आया, जो शादी के नाम से जाना जाता है, लेकिन उनमें से काफी महंगा चार्ज लगने की वजह से उन्होंने उस डील को कैंसिल कर दी। अरुण कुमार गुप्ता ने फैसला लिया कि क्यों न गांव में ही उमैद पैलेस जैसा पंडाल बनवा दिया जाए। उन्होंने कहा कि गांव में ही उमैद पैलेस भवन की तरह पंडाल बनवाएंगे। पचरुखी गाँव में भव्य पंडाल बनवाया गया। यहीं से हेलीकॉप्टर से अपनी बेटी की बारात गोपालगंज के लिए विदा हुई। अरुण कुमार समेत पूरा परिवार काफी खुश है। उन्होंने बताया कि प्रकाश गुप्ता की शादी गोपालगंज के तुरकहां गांव के रहने वाले अनिल कुमार गुप्ता की बेटी अंजलि से हो रही है। उनकी दिली इच्छा थी कि बेटे की बारात हेलीकॉप्टर से जाए। हम अपने बेटे को हेलीकॉप्टर से दुल्हन लाने के लिए गोपालगंज भेज रहे हैं। वहीं इस शादी की काफी चर्चा हो रही है। बहरहाल, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें।